नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी के ध्वस्तीकरण का। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। आपको बता दे कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का एक बंगला है जिसे हाई कोर्ट ने ध्वस्त करने का निर्देश दिया। आपको बता दे कि वो बिना मानचित्र के बंगला बनाया गया था। दो मंजिला इस खूबसूरत इमारत को अब जमींदोज होना है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मुख्तार अंसारी के बेटों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। मऊ का आलीशान बंगला होगा ध्वस्त। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को मऊ में दो मंजिला मकान के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मऊ में उनके दो मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी है। आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी और छोटे भाई उमर की ओर से दाखिल याचिका के मुताबिक नगर मजिस्ट्रेट मऊ RBO एक्ट के तहत 19 दिसंबर 2022 को दो मंजिला मकान के निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया था। आरोप है कि दो मंजिला आलीशान मकान बनाने के लिए ना तो मंजूरी ली गई है और ना ही नक्शा पास कराया गया है। इसके बाद अब्बास अंसारी ने सिटी मजिस्ट्रेट मऊ को कंपाउंडिंग के लिए अर्जी दी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने कंपाउंडिंग के बजाय ध्वस्तीकरण खारिज जारी कर। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने इन आदेश को याचिका में चुनौती दी थी। अब्बास और उमर की ओर से कहा गया था कि जिस आलीशान मकान को गिराने का आदेश जारी किया गया है उसका नक्शा पास है। राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए बताया गया कि याची झूठ बोल रहे हैं। जिस भवन का नक्शा पास होने की बात कही जा रही है वह बगल के प्लॉट का है, जबकि निर्माण दूसरे प्लॉट पर किया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ नियंत्रक यानी मऊ जिले के DM के समक्ष अपील करने की छूट भी दी है। अब्बास अंसारी की ओर से ये मांग की गई है, अपील करने तक ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।